रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है इसमें किस तरह आया जा सकता है स्पेसिफिक शायद डिग्री तो नहीं है लेकिन किस तरह इस फील्ड में आया जा सकता है इंटरनेशनल में अगर आपको ब्रोकर बनना है तो उसका बाकायदा तो लाइसेंस लेना पड़ता है ठीक है बाहर के में इस तरह नहीं है कि हर कोई ये काम शुरू कर दे लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं ना तो फील्ड में आने के बाद आपको पता लगता है भाई मरला क्या है तो स्कोयर फीट क्या है लेकिन अगर हम एवरेज देखें कि जिससे एक बंदे की बेस बन जाती है अच्छी या वो कम अज कम काम सीखने का अमल शुरू करके अपना सफर शुरू कर सकता है तो तकरीबन तीन से चार मार्च को दरकार होते हैं जितने लोग अपना इस फील्ड में खासतौर पर पढ़े लिखे लोग ियर बनाना चाहते हैं सो जलील इज़ द प्लेटफॉर्म असला शेयरिंग ऑफ़ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेजबान हमजाजे हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें सब है। पाकिस्तान है छियासठ गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और इस वक्त वो रियल इस्टेट जैसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं ज़मीन डॉट कॉम और करंटली वो अलजलील डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं बिना वक्त को ज़ाया कि इनसे बात करते हैं उस्मान अभी बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का खरीत से थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इन्वाइट किया सर बहुत शुक्रिया मुद समेत बहुत से लोग जानना चाहते हैं जो आपको देखते हैं फैन फॉलोइंग है आपकी आपने अपने करियर का आगाज किस तरह किया और क्या क्या अचीवमेंट आपको आपने हासिल की सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अलहद उसने जो चाहा उससे ज्यादा अदा कर दिया सही आ, वो डिबेट्स की फील्ड हो वो बैतबाजी हो वो स्पोर्ट्स हो वो जॉब का करियर हो अगर हम जॉब में देखते हैं तो ज़्यादा वक्त शुरू में वो तो हमेशा से मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक रहा था और टेलीविजन रेडियो और डबिंग इंडस्ट्री से वाबस्तगी थी बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा मुबलिंग के अंदर साढ़े चार साल मेरी जॉब रही अलहदुल्ला और जो ज़्यादा टाइम गुजरा आपने ज़मीन डॉट कॉम का नाम लिया तो आठ साल मैंने उस इदारे को दिए सही और उसके बाद पिछले कुछ अर्से से अलहमदिल्ला मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान के बेहतरीन डेवलपर्स में से एक अंजली डेवलपर्स के साथ है जहाँ पर मैं हेड ऑफ़ कॉर्पोरेट सेल्स हूँ पाकिस्तान के लिए और इंटरनेशनल डोमेन को दोनों को हेड कर रहा हूँ अलहमद लाला तो जिंदगी जो है वो ज़्यादा मेरा वक्त जो है वो रियल इस्टेट की तरफ आ चुका ठीक है और तो मीडिया उसके बाद टेलको और इसके बाद खास तौर तो पर रियल स्टेट वैसे जो शुरू में जिस तरह आप जॉब करते हो अपनी स्टडी के दौरान तो मैंने बैंकिंग भी की सही लेकिन अगर आप एक्सपर्टी पूछें या फेवरेट फील्ड पूछें तो नो डाउट मीडिया में बहुत कुछ कहना चाहता था अच्छे ख्वाब थे लेकिन दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं बिल्कुल वहाँ पर बहुत कुछ ना बन सका अलहदुल्ला बार बार टी चैनल से निकालता रहा निकलता रहा मैं तो फिर मुझे महसूस हुआ कि कहीं पर अपना करियर और बनाना चाहिए तो रियल इस्टेट में मैं फर्स्ट टाइम आया और इसके बाद अलहमदुल्ला इसी में अपना करियर छोड़ा बिल्कुल ठीक मेरा यहाँ पर सवाल भी ये है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है इसमें किस तरह आया जा सकता है आने से पहले कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है किसी के पास काम करे बंदा या कोई इसकी कोई स्पेसिफिक शायद डिग्री तो नहीं है लेकिन किस तरह इस फील्ड में आया जा सकता है बहुत अच्छा सवाल है आपका असल में होता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर अक्सर अवतुत हम लोग ये देखते हैं कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है ये आम बात है, है? ये बड़ी आम सी बात है लेकिन यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे डेवलपर्स मौजूद हैं पढ़े लिखे कंपनीज मौजूद हैं पाकिस्तान में तो अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे जिस तरह रैल्ट से मैं अपनी कंपनी की ही बात करूँ डेवलपर्स की तो जिसको अच्छा बोलना आता है जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं जो यूथ है जिनका जो अपना करियर बनाना चाहते हैं जो पैसा भी कमाना चाहते हैं करियर भी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे हमारे खुले हुए हैं और आ, हमारे, हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि लोगों को रियल इस्टेट समझाया जाए एज ए करियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा थोड़ी देर आपने टाइम पार किया अपना और उसके बाद आप जो है वो आगे को बढ़ गए और, और ग्रांड नहीं, नहीं लिया जा सकता पूरी फील्ड है जी सही है जैसे बैंकिंग पूरा करियर है या आप जिस भी डॉक्टर हो या इंजीनियर हो प्रोफेशन हैं तो रियल इस्टेट पूरा करियर है इसको या तो फिर आप करियर के तौर पर अपनाएं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कैसी फील है कि जहां पर स्काई इज लिमिट जो एक जुमला बोलते हो वो फैक्ट है एज फार एज योर यू नो फाइनेंशियल कंसर्न आप अपने के देखिए आपको बहुत सारे ऐसे लोग के जो फाइनेंशियली uh, बहुत स्ट्रांग होते हैं नॉर्मली वो रियल इस्टेट के सेल के लोग होते हैं उसकी वजह यह है कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप हलाल तरीके से मैक्सिमम अमाउंट कमा सकते हैं पर मंथ भी और आप इवन अगर आपकी कोई अच्छी डील हो जाती है तो आप एक अच्छा जिसको कहते हैं फ्लूक लगना तो कभी बड़ा अच्छा खासा लग, जाता, लग जाता।, जाता है तो एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पर आप हलाल तरीके से अलहमदिल्ला बहुत अच्छी अमाउंट्स भी कमा सकते हैं अपने करियर की ग्रोथ आप देखते हैं और आप इंटरनेशनली तो बाकायदा तौर पर इसके कोर्सेज भी होते हैं एंड सेकेंडली इंटरनेशनल में अगर आपको ब्रोकर बनना है तो उसका बाकायदा तो का लाइसेंस लेना पड़ता है ठीक है बाहर के ममालिक में इस तरह नहीं है कि हर कोई ये काम शुरू कर दे हाँ। तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम के से हम तो कहेंगे कि जितने लोग अपना इस फील्ड में खास तौर पर पढ़े लिखे लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं सोल जलील इज द प्लेटफॉर्म ठीक है इस कर इस फील्ड में आने के लिए कोई डिग्री का होना ज़रूरी है या बेसिक आपकी एजुकेशन है तो देखिए सबसे बड़ी डिग्री जो होती है ना वो आपको ऑन फील्ड मिलती है आप अगर पैशनेट हैं ठीक है अगर आप काम करना चाहते हैं आप इसको एज़ करियर लेकर चलना चाहते हैं जैसे मैंने पहले कहा तो वो अगर हमें ज्वाइन करते हैं एक मिसाल के तौर पर तो ट्रेनिंग्स हम ख़ुद भी दे देते हैं येस रियल इस्टेट्स के मुतालिक सर्टिफिकेशन वगैरह होती हैं लेकिन किताब जो है वो आपको उसका बेसिक समझा देती है आपका जो आर्टिकल्स हैं वो आपको ये समझा देते हैं या उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं ना तो फील्ड में आने के बाद आपको पता लगता है भाई मरला क्या है स्केयर फीट क्या है या यू you नो know, आपने अगर किसी भी आप हाई रेस बेच रहे हैं या आप प्लॉट्स बेच रहे हैं आप अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं जो भी कैटेगरी आप बेच रहे हैं तो उसकी जो भी ए, -ए बी सी डी है वो आपको ग्राउंड में जा पता रखती है तो उसके लिए हमारा पूरा मैकेनिज्म है जिसमें हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और डे फर्स्ट उनको रियल इस्टेट की ए बी सी से लेकर कोशिश करते हैं जितना हमारे पास अब तक का थोड़ा बहुत इल्म है वो बच्चों में ट्रांसफ़र करें और उनको एक मार्केट में एक अच्छे शहरी के तौर पर और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एम है ख़ास तौर पर अगर मेरा मेरा शुरू से भी स्टाइल यही रहा है कि हमने बच्चों की तरबियत पर ज़्यादा जोर दिया है कि आपने किसी चीज़ को अच्छा करके पेश करना एक और चीज़ होती है ये मार्केटिंग इसको हम बोलते हैं लेकिन झूठ बोल कर कभी हम सेल नहीं करेंगे और उसकी वजह भी यही है कि आप वक्ती तौर पर अपना फ़ायदा तो कर सकते हैं लेकिन आ, किसी ऐसे शख्स का नुकसान ना हो जाए कि जिसकी शायद जिंदगी की वो जमा है जिसने वो पैसे अपने बच्ची की यू नो फ्यूचर के लिए या उसकी शादी के लिए बचा रखे हों इसलिए जो मशवरा है वो अमानत है तो हम लोगों का आ, हमेशा से ये शेबा रहा है कि अलहमदिल्ला हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर और अच्छे मुखलिस होकर सेल्समैन से ज़्यादा कंसल्टेंट बनकर उनको बेहतर मशवरा देना है कि उनका करियर आ, भी सेफ रहे और वो लोगों के लिए भी खैर का सबब बने आप यकीन कीजिए एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लोगों के लिए जब खैर बांटते हैं कोई भी फील्ड हो इनफैक्ट आप जब लोगों के लिए खैर बांटते हैं ना अल्लाह पाक आपके साथ गलत नहीं होने देता इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर लें अला पाक आपके साथ हो तो वो इंसान वो हो जाते हैं जो करना चाहते हैं बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ऐसा आपने यहाँ पर ट्रेनिंग के हवाले से बात की यूथ जब आपके पास आती है कोई भी ऐसा नौजवान जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं कितने माह की ट्रेनिंग दरकार होती है इस फील्ड को जानने के लिए समझने के लिए अच्छा इसमें हमसे इस तरह है कि आ, सीखने वाले तो एक महीने में भी बुनियाद सीख लेते हैं ठीक है मुझे एक मुबेश नौ से दस बरस हो गए हैं मैं अभी सीख रहा हूँ क्योंकि सीखने का अमल खत्म नहीं होता अगर मैं ये समझू या कोई भी ये कि मुझे फील्ड आ गई है तो आपका सीखने का अमल रुक गया और उस दिन के बाद आप सीख नहीं पाते हो नहीं तो वो ये तो हमेशा रहनी चाहिए लेकिन अगर हम एवरेज देखें कि जिससे एक बंदे की बेस बन जाती है अच्छी या वो कम से कम काम सीखने का अमल शुरू करके अपना सफर शुरू कर सकता है तो तकरीबन तीन से चार माह उसको दरकार होते हैं अगर एक बंदा दूसरी इंडस्ट्री से शिफ्ट हो रहा है या एक बिल्कुल फ्रेश आदमी ऐसा है जो बच्चा जिसने फ्रेश ग्रेजुएशन की है इलेक्ट से और वो अपनी पहली जॉब के तौर पर रियल इस्टेट को ले रहा है तो हम ये समझते हैं कि अगर वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी ग्रिप करें क्योंकि उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रियल इस्टेट की बेसिक्स आप जो बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट नॉलेज और उसके साथ आपका कम्पेटेटिव जितने भी कम्पट मार्केट के अंदर है तो मार्केट नॉलेज तो ये तीन चीज़ें मिलकर कि आपको इंडस्ट्री का नॉलेज भी होना चाहिए आपके अपने प्रोडक्ट्स का भी और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है तो पाकिस्तान के जो सिर्फ मजमुई हालात हैं उनके अंदर रहते हुए आ, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम तीन से चार महीने में एक बेहतरीन रिसोर्स तैयार कर रहे थे सर आपने नॉलेज के हवाले से बात की फिर पाकिस्तान की मार्केट के हवाले से बात की बहुत से लोग ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं हुकूमती सतह पर भी नाला हमें नज़र आते हैं कि मेरे पास तो वसाइल नहीं है रियल स्टेट के लिए तो इतने लाख रुपया चाहिए फिर आप रियल स्टेट में आ सकते हैं आ, क्या तरीकाकार है सर नहीं नहीं ऐसा नहीं बाकी पैसे होना जरूरी नहीं ठीक पैसे बनाने जरूरी हैं अच्छा रियल इस्टेट के अंदर आके पैसे बन जाते हैं देखिए मैं जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कारोबार के लिए ऑब्वियसली पैसों की जरूरत होती है लेकिन कारोबार भी तब करना चाहिए जब आपको वो आता हो अक्लम बिजनेस मैन वो है कि जो कभी भी अपने बेटे को अपनी उसी सीट पे नहीं बैठाते अच्छी सीट पर जिस तरह बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज भी हैं उसके फादर की टेक्सटाइल मिल थी तो उन्होंने ये नहीं कहा उसको कि पहले दिन तुम आके इस चेयर के ऊपर बैठ जाओ ये बैठे मार्केट में जाकर मार खा आओ उसकी वजह क्या थी उसकी वजह ये थी कि जब हम मार्केट में सीख लेते हैं ना जब आप जॉब कर लेते हैं तो उसमें आपको एक तो आ, इनकार सुनने की भी आदत होती है आपको डांट के भी आदत पड़ जाती है तो एक वो जो एम्प्लॉ पेन होती है ना कि आप बीइंग एम्प्लॉय लेट्स अगर मैं डायरेक्ट अपने वाले साहब के बिजनेस में जाकर बैठ जाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि मुझे शायद थोड़ी सी दुश्वारी होगी ये अंडरस्टैंड करने में कि मेरा एम्प्लॉई किस इस कंडीशन के अंदर है मुमकिन है कि ऐसी बात समझने में, में मुझे प्रॉब्लम हो अब उसकी वजह जो आपने पूछी कि अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली मुझे समय की जरूरत है मुझे बैक कैपिटल और पैसे की जरूरत है बिल्कुल लेकिन अगर बिलफर्ज मुझे इस फील्ड में आना है और अभी पैसे कमाने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पहले मुझे जॉब करनी पड़ेगी जॉब करने के लिए आपके पास सिर्फ अगर ग्रेजुएशन है और आप अच्छी इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा सीखने के अर्ज हो मैं सीखना चाहता हूँ तो आप आइए हम आपको सिखाते हैं उसके बाद अल्लाह पाक ने जब राहें हरे के लिए खोल रखी हैं बिल्कुल और अलजलील को मैं आ, हमेशा कहा करता हूँ तो इट्स लाइक एन अकेडमी कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलहमदिल्लाम से सीखते हैं और उसके बाद जो है वो मार्केट में अपना रोज़गार कमा रहे हैं किसी क्योंकि स्विच करने से आप किसी को रोक नहीं सकते कोई बेटर अपॉर्चुनिटी किसी को मिले उसकी भी हौसला अफजाई करते हैं और अगर कोई अपना कारोबार करना चाहे तो उसमें भी उसको गाइडलाइन देते हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा वो लोग अब जो इसको अब शिफ्ट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे अगर कोई आ, किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखता है और वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसका ये डिसीजन ठीक है अमूमन बहुत से लोग हैं वो फील्ड चेंज करते हुए डरते हैं हम इस फील्ड में जाएंगे तो हो सकता है हम फ्लॉप हो जाएं उस तरह सक्सेसफुल ना हो इस बारे में ये आपकी कह रहा है मोर रि मोर प्रॉफिट अच्छा यू आर हंड्रेड पर असल में सिर्फ समझाने के लिए लफ्ज बोलता हूँ बुजदिल आदमी कभी बहुत आगे नहीं जा पाता सही उसकी वजह यह है कि यू हैव टू बी ब्लंट अगर आपको अपना करियर आगे स्विच करना है मैं मेरे पर ऐसा वक्त आया था जब मैंने मोबलिंग छोड़ा था आई वॉज अ परमानेंट एम्प्लाई और एक अच्छी जगह पर बैठा था और उस वक्त बहुत सारे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार क्यों स्विच कर रहे हो बिकॉज मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जिसको लोगों से मिलना पसंद है जो एक सोशल आदमी है जो बाहर निकल के लोगों से बात करके मुझे कन्विंस करना अच्छा लगता है तो लेकिन मेरी वहाँ पर जो पोस्ट थी उसमें भी मेरी पब्लिक इंट्रैक्शन ही थी लेकिन उसमें आउट आउटसाइड जाना बहुत कम था तो पब्लिक रिलेशनशिप में और कस्टमर सर्विसेज में Then I thought, nah, yeah, I should move. क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जो मैं चाहता हूँ सबसे सब पहले आपको अपना पोटेंशियल पता होता नादी का पता चाहिए। can do, तो आपको अगर लगता है कि if you can fly, तो उसके बाद अगर आप यू शुड नॉट बी ऑन बाइक अगर आप उड़ सकते हैं और अगर आप जहाज उड़ा सकते हैं तो फिर आप बाइक पे क्यों है तो उसके लिए फिर आपको एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है और जो लोग फील्ड चेंज करते हैं हमारे पास ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो बैंकिंग छोड़ कर आए हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री छोड़ कर आए हैं जो टेलको को छोड़ कर आए हैं दस दस पंद्रह पंद्रह साल के एक्सपीरियंसिस हैं और उनका भी यही जो हमारे पास आके सवाल होता था कि सर पहले एक थोड़ा सा काउंसिलिंग सेशन हम उनको दे देते हैं कि थोड़ा सा उनका डर निकालने के लिए और उसमें जो बुनियाद होती है वो ये नहीं कि उनको कोई सब्ज बाग दिखा के लेकर आना उनको ये रियल पिक्चर दिखाना कि मुमकिन है कि आपको शुरू में प्रॉब्लम हो जिसका बिजनेस पे कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज अ लॉस ईयर तो उनको रियल पिक्चर दिखा कि के कि मार्केट की सिचुएशन है अगर तो आप अपने आप को ढाल लेते हैं क्योंकि देखिए मार्केट विल नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू अ पर्सन सही एक बंदे को अपने मिजाज में तब्दीली लानी होती है तो अगर आपको लगता है कि आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं हलाल तरीके से कमाना चाहते हैं और ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए तो नो डाउट कि इसमें इससे बेहतर फील्ड कोई नहीं है तो कम अज कम मेरी कोशिश जरूर होती है कि अपने प्लेटफॉर्म से हम लोगों को पहले काउंसलिंग भी दे देते हैं कि आप से. एक क्लियर पिक्चर देख लीजिए उसके बाद अगर आपको लगता है कितने आपके अंदर गट्स हैं कि आप चेंज करके अपने को इस फील्ड को सीख लेंगे मोर देन वेलकम लेकिन अगर आपने इस के अंदर आना है कि करूँ ना करूँ तो बेहतर है इससे बेहतर ये कि जो शक में चीज़ आ जाना वो नहीं करनी चाहिए सर लास्ट आप अब तक की कामयाबी का क्रेडिट देना चाहेंगे अनडाउटेडली माई पेरेंट्स मेरी फैमिली पूरी मुझे सपोर्ट करती है मुझे मुखलिस दोस्त और मुझे दुनियावी तौर पर जिसको आप दुश्मन कहते हैं लेकिन मेरे बेहतरीन नकाद और वो लोग जिन्होंने गिराना चाहा अल्लाह पाक ने उठा दिया और अब मैं अल्लाह पाक का किस कितना ही शुक्र अदा करूँ कि सरकार वसम के नालायन के सदक़े में अल्लाह पाक ने हर दफ़ा मुझे ज़्यादा इज़्ज़तदार कर दिया जब जब लोगों ने चाहा कि इसकी बात यकीनी है तो अल्लाह पाक ने उनको भी तब्दील कर दिया और अल्लाह पाक ने और इज़्ज़तों से नवाज़ दिया रामद बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और कहते हैं कि रवायतों की हदें तोड़ के भड़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे यकीन इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा तब तक के लिए अपने मेज़बान हमजाजे को इजाज़त दें अल्लाह ने कबान